हेलो गाइस, मैं हसीना आपको अपने यूट्यूब चैनल हसीना गरीब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे की गर्दन ऐसे टेढ़ी क्यों रहती है। आप मेरी गर्दन देख रहे हो, आप बच्चे के ये आप देखा होगा, कई बच्चों के गर्दन ऐसे टेढ़ी क्यों रहती है, इसका क्या रीजन है और इसके बारे में आपको बताऊंगी कि इसको कैसे सपोर्ट करें, गर्दन को कैसे सीधी हो। तो फ्रेंड्स, जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने देखा है कई बच्चों की गर्दन ऐसे रहती है, वो किस कारण से रहती है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब बच्चे छोटे होते, नवजात होते, तो बच्चे का किसी का सिर इतना बड़ा होता है। आप देखोगे कि जन्मते हुए बच्चे का भी, बहुत सारे बच्चों का बड़ा सर होता है। मेरी खुद की लड़की का भी सर इतना बड़ा था कि वो खुद को अपने आप को संभाल नहीं पाती थी। वो करीबन 3-4 महीने तक भी हो गई थी, फिर भी वो अपने गर्दन को बराबर एकदम सीधी नहीं रख पाती थी और गर्दन को ऐसे टेढ़ी करके रखती थी। फिर मैंने भी देखा और मैंने बूढ़ों बुजुर्गों से भी पूछा कि मेरे बच्चे की ये गर्दन ऐसे टेढ़ी क्यों रहती है, तो मुझे भी बताया कि बेटा, इसकी गर्दन है जो इसकी गर्दन में इसका सिर बहुत बड़ा है, तो इसकी सिर की गर्दन है तो थोड़े सिर पे आप मालिश किया करो। जो गर्दन इधर से झुकती है, जिस साइड से झुकती है, उस साइड से थोड़ा सपोर्ट करा करो। मुझे भी किसी ने ये बताया कि आप जिस तरफ से बच्चे की गर्दन झुक रही है, उस गर्दन को थोड़ा सा सपोर्ट दो। इधर से हम लेते हैं तो भी इसको इधर हाथ रख के लो और उस जगह पे मालिश करो आप, जहाँ से उसकी गर्दन मुड़ी हुई होती है उसको कम से कम दिन में आपको जो जैतून का तेल, मैंने मालिश के बारे में अच्छा बताया, फिगारो कंपनी वाला तेल वो भी अच्छा बताया था मैंने, उस तेल से आप मालिश करो, उससे हड्डियाँ भी मजबूत हो जाती है और उस जो अपने गर्दन, बच्चे की गर्दन झुकी हुई होती है, उस गर्दन को भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन जब हम उससे मालिश करेंगे तो आप देखोगे बच्चे की गर्दन का तक कितना अच्छा ग्रोथ हो रहा है और वो धीरे धीरे हम उस गर्दन को सपोर्ट करेंगे। बच्चे को हम सुलाएंगे तो भी उससे थोड़ा इधर से एक मुलायम सॉफ्ट कपड़ा उसके गर्दन पर रख के और उसको नींद आने के बाद में सीधी गर्दन करके सुलाएंगे। तो ऐसा हम कम से कम 10-15 दिन तक लगातार हमारी कोशिश करेंगे तो बच्चे की गर्दन एकदम सीधे हो जाएगी और इसका जो बड़ा सिर है उसको भी वो झेलने के लिए उसकी गर्दन मजबूत बन जाएगी। क्यों, बच्चे का सर बड़ा होता है तो वो बार बार से गर्दन को या तो ऐसे गिरा लेता है, ऐसे नहीं तो ऐसे गिरा लेता है या पीछे की ओर चला जाता है, उससे उसकी हंसली भी हो सकती है। आप मेरी वीडियो में, अगली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि अगर बच्चे की हंसली होती है तो कैसे करें, तो आप देख सकते हो कि अगर बच्चे की हंसली, ये गर्दन को बार बार में इधर उधर झुकाते हैं, पीछे की ओर ले जाते हैं और एक तरफ ज़्यादा रहते हैं, फिर हम वो गर्दन में उसके दर्द होता है तो वो ताकत लगेगी, ऐसे करता है ज़ोर से तो उसकी हंसली आगे पीछे हो जाती है। इसी रीज़न से हंसली भी आगे पीछे होती है और इसी कारण से बच्चे की गर्दन को भी सपोर्ट नहीं मिल पाता है। किसी बच्चे के जब हम उसको सपोर्ट नहीं करते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों के गर्दन बहुत सारे बड़े हो जाते हैं, तब तक ये बच्चे ऐसे ही टेढ़ी करके ही उस गर्दन को रखते हैं। तो बच्चों को, हमारे को इस चीज़ पे ध्यान देना है कि बच्चा सीधा रख रहा है, नहीं रख रहा है तो हमको उससे मालिश करनी है, अच्छे तेल से मालिश करनी है और बच्चे के गर्दन को सपोर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, जिन पेरेंट्स को ज़्यादा ज़रूरत है उनको हमारी वीडियो आगे से आगे शेयर करें और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए नए टिप्स लेके आएंगे, बच्चों के बारे में वीडियो में बताएंगे। अगर आपको किसी और टिप्स के बारे में पूछना है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम आगे से आगे आपके लिए अच्छे अच्छे टिप्स लेकर आएंगे। धन्यवाद।